क्वेश्चन इज गिवन दैट गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, पहला इस पर प्रश्न किया गया ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जब कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर चलता है कोई, ये मान लीजिए कि ये रेन ड्रॉप अगर हम बना ले, रेन ड्रॉप है ये, और ये देखिए भी कॉन्स्टेंट है, वी आपका कांस्टेंट है, तो आप चूँकि जानते हैं कि अगर वी कांस्टेंट होगा तो वी कांस्टेंट होगा तो ए कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा आपको जीरो। जब एक्सलेशन जीरो है तो फोर्स वर्क भी जीरो होगा, मास इनटू एक्सलेशन, ए फिजिकल टू कितना होगा मास, और चूँकि एक्सलेशन जीरो है तो क्या हो गया जीरो। तो पहला हम लोग कर चुके कि अगर मान ली वी कांस्टेंट हो तो उस पर कितना होगा मैग्नीट्यूड उसका फोर्स का, तो जीरो होगा। अब बी आपका क्वेश्चन है एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखिए फ्लोट कब करता है, ध्यान देना है फ्लोट कब करता है, मान ली कॉर्क है ये आपका, तो फोर्स ऑफ बायंसी जो फ्लोटिंग के केस में लगता है और नीचे क्या होता है वेट होता है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये केस फ्लोटिंग का है एफ बी, और ये डब्ल्यू फ्लोट कर रहा है ना ऑन वाटर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो कैंसिल हो जाएगा, एफ नेट क्या हो गया आपका, ये आपका जीरो हो गया। सी नंबर को देखा जाए, सी में क्या है, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। देखिए ये जो काइट है पतंग, अगर हम मान लें पतंग ले लेते हैं, ये पतंग की बात कर ले, अगर हम पतंग की बात कर लें, पतंग की अगर बात करेंगे तो हेल्ड स्टेशनरी है, तो ये मीडियम एयर जो मीडियम है उसके कारण विस्कस फोर्स लगता है, ये आपका एफ भी हो गया एयर के कारण, और नीचे में इसका वेट हो गया, ऐसे भी बहुत हल्का होता है एम जी हो गया, तो यहाँ पर आपको ये बैलेंस हो रहा है तो इसीलिए स्टेशनरी होगा, है ना। तो एफ नेट की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, तभी ना स्टेशनरी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। अब डी में है हम लोग का अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर कोई भी कार है, अगर ये कोई कार है अगर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से है, वी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि हम लोगों ने बात किया पहला ही, तो इस तरह का था केस कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो आप ए क्या होगा डी वी बाई डी टी या वी माइनस यू बाई टी, क्योंकि जितना मैंने शुरू से अंत तक एक ही है तो ये आपका क्या होगा वी माइनस यू बाई टी की अगर बात करें, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग बात कर ले यू, यू बोल रहे हैं ना यू, यू कर दें, तो ये कहने का मतलब कि भी वही रहेगा, है ना, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और इस तरह हम लिख सकते हैं एफ नेट बराबर जीरो हो सकता है। अब हम लोग डी की बात कर लें, डी डी की बात करें, देखिए डी में क्या है, कराए कि अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फ्रॉम ऑल स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है, इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आपका जीरो होगा, और एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा, अर्थात एफ नेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई फोर्स उस पर लग नहीं रहा है। इस तरह हम लोग एनसीईआरटी का ये 4.1 है क्वेश्चन, इसका इस तरह हम लोग बनाएंगे।